The 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 views expressed in this podcast are the speaker's own. The quint दूस एक्सप्रेस इन दिस पॉडकास्ट आर इज रिस्पॉन्बल फॉर अफवाह तो है पर हेलो दोस्तों मेरा नाम है संजय राजौरा और इस शो का नाम है डू आई लाइक इट वेयर वी रिव्यू एनी थिंग एंड एवरी थिंग अंडर द सन और इस एपिसोड में आई ट्राई टू टेल यू वेदर आई लाइक द फिल्म अफवाह और नॉट अफवाह फिल्म बनाई है सुधीर मिश्रा जिसकी पुरानी फिल्मों ने बहुत कुछ हमको दिया है सिनेमा के अगर पैमाने से देखा जाए तो हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी और इस रात की सुबह नहीं और भी बहुत सारी सुधीर मिश्रा की फिल्में हैं वो एक बहुत ही अलग किस्म के फिल्म मेकर हैं बॉलीवुड की भीड़ में उनकी रेस जो लेटेस्ट फिल्म है उसका नाम है अफवाह जो पाँच मई को रिलीज़ हुई देखिए दोस्तों मैं कोई फिल्म क्रिटिक तो हूँ नहीं और मैं कभी फिल्मों का रिव्यू वगैरह करता नहीं हूँ ना तो मुझे इतनी समझ है फिल्मों की बस हाँ एक दर्शक के नाते ज़रूर मैं फिल्म को क्रिटिक करता हूँ जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से इस फिल्म के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी स्पेशली बिकॉज इन दीज टाइम्स हमको ऐसी फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं जो सवालिया निशान उठाए हमारे माशरे के ऊपर जो हमें आईना दिखाएं कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं और किस हद तक हम इसका खामियाजा भुगत सकते हैं और ये बहुत ही पर्सनल फिल्म लगी है मेरे को क्योंकि मैं जो हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ और उसके बारे में अपने काम के थ्रू बोलने की कोशिश करता रहता हूँ अगर किसी और ने भी अपने काम के थ्रू इस बारे में बोला है और मुझसे बेहतर बोला है तो मैं अपना फ़र्ज़ महसूस करता हूँ ये कि मैं उस काम के बारे में बात करूँ और और लोगों तक तो को ये जागरूक करूँ कि इसको एक बार ज़रूर देख के आए पसंद आए या नापसंद आए वो आपके ऊपर है लेकिन एक बार एक मौका इस फिल्म को ज़रूर दें तो बहरहाल फिल्म पे आते हैं फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करती है कि इस ज़माने में ख़ास तौर पर आजकल के हिंदुस्तान में एक अफवाह क्या क्या करवा सकती है बिकॉज किसी का भी किसी की भी दिलचस्पी नहीं है पढ़ने में रिसर्च करने में और किसी भी ख़बर की सच्चाई जानने में ऊपर से माशाला से हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपने आप में आ, टी के चक्कर में जस्टिफाई करते हुए कि हमें टी चाहिए वो किसी भी न्यूज़ को आ, सच बना के और उसके बारे में डिबेट शुरू कर देते हैं चार आदमी इधर चार आदमी उधर और फिर उसके बारे में बहसबाजी होती है और लोग आ समझ लेते हैं कि यही सच है क्योंकि वो आपने सुना ही होगा एक भी झूठ को बार बार बोला जाए तो वही सच हो जाता है तो इस फिल्म में भी कुछ यही बताने की कोशिश करी गई है सुधीर के द्वारा कि अफवाह कितना नुकसान पहुंचा सकती है और अफवाह एक फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर है और वो कास्ट एग्नोस्टिक है रिलीजन एग्नोस्टिक है एक बार अफवाह निकल गई तो फिर वो कुछ भी रूप ले सकती है और उसका खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है ये बात और है कि आज के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ विशेषकर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है क्योंकि जो पावर में होता है उसी से सवाल जवाब किए जाते हैं जो पावर में नहीं है उससे तो क्या ही पूछना वो इस टूल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है उन्होंने अपना आईटी सेल वगैरह सब बना रखा है तो वो कोई भी एक झूठी खबर उठा के उसको वायरल कराते हैं और फिर उस खबर का खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो बिल्कुल ही पावरलेस हैं जो जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं जिनकी लिंचिंग्स भी हो रही हैं और जिनको हर तरीके से रोजगार से परिवार से जिनके घर पे बुलडोज़र भी चल रहे हैं उनको रोज़गार से हाथ धोना पड़ रहा है और जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है मोहम्मद अखलाक का मर्डर हम सभी को याद है जो एक अफवाह के बेसिस पे ही हुआ था कि उसके फ्रिज के अंदर बीफ है और बाद में पता चला कि वो मटन था तो लेकिन एक अफवाह की ही ये ताकत थी कि वो इस तरह से फैलाई गई कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अखलाक को मगर इस फिल्म इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म के अंदर अगर आप फिल्म देखेंगे मैं ज़्यादा इसके स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा तो इस फिल्म के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है कि जो मोबाइल फ़ोन है जो स्मार्टफोन है उसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे होता है और गलत तरीके से कैसे होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो उस मोबाइल फ़ोन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका फ़ोन छिनता है उससे और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशन है जो एक अफवाह फैलाता है मोबाइल फ़ोन के थ्रू और आईटी एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा करके एक झूठी खबर को वायरल करता है और जिसकी वजह से दंगे फसाद बढ़ते हैं और एक पूरा कबीला लोगों का इकट्ठा हो जाता है जो खून के प्यासे हैं क्योंकि एक अफवाह के चलते वो अपनी इम्पोर्टेंस अपने आप को साबित करने के लिए अपना एक एक लक्ष्य पकड़ के और बस निकल पड़ते हैं आँख पे पट्टी बांध के और जो पहला आ, आ, विक्टिम ही बोलूँगा मैं जो उनके हत्े चढ़ता है वो उसके खून के प्यास हो जाते हैं एक कोई भी एक अफवाह मेरे खिलाफ़ या आपके खिलाफ़ या आपके किसी परिवार के मेंबर के खिलाफ या दोस्त के खिलाफ कोई भी उड़ा के कुछ भी झूठ बना के और उसको वायरल करा सकता है और उसके बाद एक भीड़ ऑलरेडी तैयार मौजूद है इस मुल्क के अंदर हु इज़ टू ईगर टू बी वायलेंट टू ईगर टू किल टू ईगर टू लिंच और वो भीड़ आपके पीछे पड़ जाएगी और उसका खामियाजा आपको अपनी जान से भी भुगतना पड़ सकता है इस फिल्म के अंदर जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी आई I मीन mean, बातें तो काफ़ी सारी अच्छी हैं लेकिन एक एक अच्छी बात ये भी लगी कि जो अर्बन लिबरल एलिट है उसको भी सुधीर ने एक्सपोज किया कि किस तरह से वो लोग भी पार्टी हैं ये वायलेंट एटमॉस्फेयर के ये इर्रेशनल एटमॉस्फेयर के फेक न्यूज़ के एटमॉस्फेयर पे ये ये जो अर्बन एलिट है ये अपने इको चैम्बर्स के अंदर बैठ के कुछ तो डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करता है कुछ तो डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करता है जो इको चैम्बर के बाहर शायद एग्जिस्ट नहीं करते और ये जो अर्बन एलीट है उस इको चैंबर में ही रहना चाहता है और उस इको चैंबर में किसी और की एंट्री अलाउड नहीं है बाहर चाहे फसाद हो रहा है चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है चाहे रेप हो रहा है चाहे किसी को जिंदा जलाया जा रहा है चाहे लिंचिंग हो रही है कुछ भी हो रहा हो लेकिन अर्बन एलीट अपने इको चैंबर में बैठ के कुछ अलग ही दुनिया में कुछ अलग ही राग अलापरा होता है जैसे कि बाहर की दुनिया कुछ दूसरे प्लेनेट की दुनिया है जिससे इस प्लेनेट को कोई लेना देना है नहीं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आ, मुझे तो तजुब हुआ कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दी गिवन के हिंदुस्तान में सेंसरशिप की आ, कितनी पकड़ है इस समय का, बड़ी बड़ी फिल्मों को रोक दिया गया उनके जो इंपॉर्टेंट सीन्स थे वो काट दिए गए लेकिन इस फिल्म ने फिर भी ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और समझने वाले को वो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस वो समझ में आ भी गया और इस फिल्म से एक चीज़ और और साबित हुई मैंने मैंने पूछा भी सुधीर से कि आपने सेंसर बोर्ड से पास कैसे करा ली ये फ़िल्म एंड ही सेड दैट यार पास क्या कराना बस फिल्म बना दी मैंने तो मुझे समझ में आया कि आजकल लोग हिंदुस्तान में जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपने आप ही सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं ये नहीं बोल सकते ये नहीं बोल सकते ये नहीं कहना चाहिए ये नहीं लिखना चाहिए इससे पहले कि उनका क्रिएशन सेंसर बोर्ड के पास पहुँचे वो ऑलरेडी उन्होंने खुद सेंसर कर दिया होता है और ये मुझे एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड लगता है बिकॉज सेंसरशिप जो करेगी वो तो बात की बात है उससे पहले ही सेंसर कर रहे हैं तो सेंसरशिप का काम ही खत्म हो गया है तो इन, उनका मतलब जो लोग आपको डराना चाहते हैं जो लोग आपको बोलने से रोकना चाहते हैं आपको लिखने से रोकना चाहते हैं फिल्म बनाने से रोकना चाहते हैं एक्सप्रेशन से रोकना चाहते हैं उनका काम बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि उन्होंने आपके मन में ये डर बिठा दिया है और आपने बिठा भी लिया है वो डर अपने मन में कि हम ये नहीं बोल सकते हम ये नहीं कह सकते हम ये नहीं लिख सकते तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है इसके ऊपर भी एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है ये फिल्म क्योंकि सुधीर ने फ्री फ्लोइंग फिल्म बनाई है उस नाते से ये काफ़ी ब्रेव फिल्म है काफ़ी बहादुरी वाली फिल्म है और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मौका मिलते ही ये फिल्म ज़रूर देखें और सोचें इसके बारे में और अपने आसपास आपकी चारों तरफ आपके आसपास ये फिल्म घट रही है मतलब आप सब किसी ना किसी को जानते होंगे जो स्कूल में या कॉलेज में किसी अफवाह की वजह से उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ा स्कूल में भी बहुत होता है कि किसी के बारे में किसी कैरेक्टर के बारे में खासतौर पर किसी महिला के कैरेक्टर के बारे में एक अफवाह पूरे स्कूल में उड़ जाती है उसके बाद उस लड़की को उस महिला को वैसे ही कैरेक्टराइज कर दिया जाता है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है बॉटम लाइन इज़ रूमर इज़ अ डेंजरस थिंग ऑलवेज ऑलवेज डू योर रिसर्च अपनी अपनी पढ़ाई करें अपनी रिसर्च करें अपनी फैक्ट फाइंडिंग करें फिर किसी चीज पे यकीन करें यही इस फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो इन नट शैल अगर मैं ये कहूं कि डू आई लाइक अफवाह तो मेरा आंसर अफॉर्मेटिव होगा येस आई लाइक अफवाह प्लीज वॉच इट यू मे नॉट लाइक इट बट दैट्स ओके आई लाइक अफवाह डू आई लाइक इट इज अ क्विंट ओरिजिनल पॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसड बाय शली वालिया एंड रितू कपूर this episode was hosted by sanjay rajara produced and edited by prateek lidhu this episode contains audio from the film afwa and the theme music is from bmg you were listening to the Quins podcast